Hello everyone, my name is Ashish Shekhar and welcome back to FIFA Foos. So, अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट गूगल पर्सनालिटीज की नवंबर 2022 में, जिनको सबसे ज्यादा गूगल किया है, टीवी पर्सनालिटीज जिनको सबसे ज्यादा गूगल किया गया है, वो लोग कौन है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके नाम आते हैं, उनमें से एक नाम आता है एमसी स्टैन का, जो कि हिप हॉपर है और वो इस वक्त बिग बॉस के हाउस में भी है। और कुछ दिन पहले ही शालीन, जो एक कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, उनसे उनकी लड़ाई हुई थी एमसी स्टैन की बिग बॉस के हाउस में, जिसके करके उनको काफ़ी आउटरेज मिला है और गूगल और ट्विटर पे भी वो काफ़ी ट्रेंड हुए हैं, उनके फैंस ने काफ़ी उनको ट्रेंड कराया है। और जब वो ट्रेंड होता है तो डेफिनेटली लोग ट्वीट गूगल करते हैं, सर्च करते हैं कि यू नो कौन ये पर्सनैलिटी है। दूसरा नाम आता है शिव ठाकरे का, जो कि बिग बॉस मराठी के विनर रह चुके हैं और अभी वो बिग बॉस हाउस में हैं, और उनका भी काफ़ी इंटरेक्शन है लोगों से और वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो एक ये रीज़न है कि लोग उनको ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कौन है इंसान। अब्दू बिग बॉस हाउस में इस वक्त, लेकिन अब्दू की पॉपुलैरिटी बिग बॉस से पहले ही से थी, उनके काफ़ी रील्स वील्स फेमस हुए थे और लोग उनको पसंद करते थे, वो काफ़ी इनोसेंट और काफ़ी क्यूट से हैं तो सभी उनको पसंद करते हैं, तो अब्दू और इस वक्त वो बिग बॉस में हैं। अगला नाम है शहनाज गिल का। शहनाज गिल ने कुछ टाइम पहले ही अपना एक सोलो सॉन्ग निकाला था, वो उनका काफ़ी हिट हुआ था, और इससे पहले वो बिग बॉस में आ चुकी हैं। बिग बॉस में वो आ चुकी हैं जब वो सिद्धार्थ शुक्ला जी थे उस शो में, उनके साथ वो थी। तो फिर बात करते हैं फैजल शेख खतरों के खिलाड़ी में आ चुके हैं और उनको लोग काफ़ी गूगल कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले फैजल शेख ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे थे फॉर सम रीज़न। अंकित गुप्ता बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं, उनके बारे में काफ़ी लोगों की राय है कि अंकित गुप्ता कुछ बोलते नहीं हैं, जब वो बोलते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है, और यू नो अंकित के फैंस को लगता है, हर टाइम अंकित के फैंस अंकित को ट्विटर पे ट्रेंड करवा देते हैं, और अंकित के फैंस को लगता है कि सलमान खान और बिग बॉस जो घर है वो लोग बायस्ड हैं बहुत अंकित को लेकर, क्योंकि अंकित पहले बोलता नहीं है तो उसको कहते हैं बोलो, और जब वो बोलता है तो उसको कहते हैं तुम बोल क्यों रहे हो, तो उनको लगता है। तो अंकित को काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं और वो ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, तो काफ़ी वो फेमस हो गए हैं। अर्चना गौतम जो कि शो में स्टार्टिंग से ही उन्होंने यू नो पूरा शो अपने लिए बना के रखा है, इस वक्त वो बिग बॉस के हाउस में है और वो एक पॉलिटिशियन भी है मेरठ से, तो पूरा बिग बॉस का जो भी यू नो होता है, वो एपिसोड होता है, वो अपने इर्द गिर्द घुमा लेती हैं, सारी अटेंशन सीक कर लेती हैं, तो उनको तो डे वन से ही वो पॉपुलर हैं और लोग उनको सर्च कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी कौन है। फिर सुम्बुल खान, वो भी बिग बॉस में हैं और इससे पहले वो एक शो में आई थी और काफ़ी वो भी फेमस है और काफ़ी बातें चल रही हैं उनके बारे में। करण कुंद्रा जो कि एक एक्टर हैं और तेजस्विनी के वो बॉयफ्रेंड हैं, और ये लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले इनका एक सॉन्ग भी आया था, तो ये लोग काफ़ी फेमस हैं, ये तो करण कुंद्रा, और तो ये पर्सनैलिटीज़ हैं कुछ जो सबसे ज़्यादा गूगल की गई हैं नवम्बर 2022 में। आप किसको गूगल कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टे ट्यून्ड।